गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर सेकेंड वास्तविक संख्या में भाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं संख्याओं की भाज्यता का नियम पढ़ेंगे जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहा? ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने कोई संख्या ली, उसमें हमारा जो भाग जाएगा, जो संख्या ली है उसी संख्या का भाग जाना चाहिए, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण दो है, दो में सिर्फ दो का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो यह दो जो है वो अभाज्य संख्या। इसके बाद तीन, तीन में सिर्फ तीन का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। पाँच है, पाँच में पाँच का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। सात हो गया, सात के बाद आपके पास ग्यारह हो गया, ग्यारह के बाद तेरह हो गया, तेरह के बाद सत्रह हो गया, सत्रह के बाद उन्नीस हो गया, उन्नीस के बाद आपके पास तेईस हो गया, तेईस के बाद उनतीस हो गया, उनतीस के बाद इकतीस हो गया। इस तरीके से आपके पास ये सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर देखें तो सभी में एक का भाग तो जाता ही है, तो ऐसी कोई भी संख्या ले लें उसमें एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ उसी संख्या का ही भाग जाना चाहिए, एक का भाग तो सभी में जाता है। तो परिभाषा उस तरीके से बनी, ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या का भाग पूरा पूरा जाए, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आते हैं दो की भाज्यता के, दो की भाज्यता का पहला नियम पढ़ रहे हैं। भाज्यता का जो पहला नियम है, और दो एक अभाज्य संख्या है, जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं की भाज्यता के नियम पढ़ेंगे। तो दो की भाज्यता का नियम क्या है? ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक जीरो दो चार छ आठ हो, उसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हमें कोई भी संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक आपको देख लेना है, अगर वो अंक जीरो दो चार छ आठ हो तो उसमें दो का भाग पूरा पूरा जाए। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण दिया आपने, मेरे को दिया गया है 208, उसके पीछे आठ आ रहा है, तो जिसका मतलब ये क्या है, दो से विभाज्य है, इसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है। मैंने ले लिया 214, 300, 702, 906, तो ये सभी संख्याएं आपको दिख रही हैं, इनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। तो ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? इसमें दो का भाग पूरा पूरा
जाएगा। इसके बाद अगली जो भाजकता का नियम क्या है, टी की भाजकता का क्या कहते हैं, टी की भाजकता का नियम संख्या के अंकों के योग में यदि तीन का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी तीन का भाग पूरा पूरा जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कहता है, क्या कहा, संख्या के अंक, कोई आपको संख्या दे रखी है उसके अंक देखने और उनका क्या लिख दीजिए, योग कर दीजिए। योग करने पर जो संख्या मिलेगी उसमें अगर तीन का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी तीन का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने दे दिया, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 702 है, इसके अंक कौन कौन से हैं, ये 7 है, इसका अंक 0 है, इसका अंक 2 है, योग करूंगा तो कितना आया, 9 आया, और 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूं, 609 6 प्लस 0 प्लस 9, 6 और 9 कितने होते हैं, 15, और 15 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब इन संख्या के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, यहां पर 3 की भाजकता का नियम लगता है। इसके बाद अगला जो नियम है तीसरा, वो नियम है आपके पास 5 की भाजकता का, 5 की भाजकता का नियम क्या है, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कहा, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक, कोई भी संख्या दी हुई है उसका इकाई अंक आपको देखना है, अगर वो 0 है या 5 है, दोनों में से कोई भी, तो वह संख्या जो होगी उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास 605 है, तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। मुझे दे दिया 710, तो इसका इकाई अंक जो है 0 है, तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी तरीके से आपको 795 दिया हुआ है, तो इसका इकाई अंक 5 है, तो इसमें भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखते हैं 7 की भाजकता क्या कहता है, यदि इकाई अंक का दुगुना कर इकाई अंक को हटाने से बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या में
सात का भाग पूरा पूरा जाता है तो दी संख्या में घी सात का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि इकाई अंक का दोगुना कर दिया है, कोई संख्या दी गई उसमें इकाई अंक देख लेंगे और उसको क्या करना है, दोगुना करना है। दोगुना कर इकाई अंक को हटाने से जो हमने इकाई अंक दिया है उसको हटा दें, हटाने पर बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या, जैसे ही हमने इकाई अंक हटाया जो संख्या हमें मिली उसमें से इकाई अंक का दोगुना घटा दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसमें सात का भाग अगर जाएगा तो जो हमें संख्या दी हुई है उसमें भी सात का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है 658, ये एक संख्या है, इसमें हमें सात की वैधता का नियम जो है वो लगाना है। क्या कहा, इकाई अंक का दोगुना, ये इकाई अंक है आठ, इकाई अंक है आठ, आठ का हमने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। इकाई अंक को हटाने से ये इकाई अंक है आठ, इसको हटा दिया तो कौन सी संख्या बनी, 63। हटाने पर बनी संख्या में से घटाने को रखते हमने इसको हटाया, देखिए 63 आठ भी 16, यहाँ बचे आपके पास 9, ये बचे 49। प्राप्त संख्या में कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 49, और 49 में सात का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए ये जो संख्या दी हुई है इसमें भी सात का भाग पूरा पूरा जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 17822, 17822 क्या था, इकाई अंक का दोगुना, इकाई अंक कितनी है, दो, इसका दो गुना करना मतलब दो से गुना करना, इकाई अंक को हटाया तो 1782 है, सॉल्व करते हैं, 1782 में से हमको चार घटाया, जैसे हमने चार घटाया तो यहाँ पर उधार दिया 12, 12 में से चार गया 8, इसके पास बचा 7, ये 7। 1771 कोई संख्या बड़ी है तो कर सकते हैं इसको, हम एक स्टेप वापस फॉलो कर सकते हैं, इसका आप देखो वापस इकाई अंक 8 है, 8 का हमने दोगुना कर दिया, संख्या कौन सी बची, 177, इसको इसमें से घटाते हैं, देखो आप 177 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर एक तो आपके पास एक आएगा, 6 आएगा, 161 आया, अभी भी संख्या आपको बड़ी दिख रही है तो ये वापस इकाई है, तो इकाई है कितना है, एक, इसका हमने दोगुना कर देना है, बची हुई संख्या कितनी है 16, इसको इसे घटा सकता हूँ तो 16 में से 2 घटा दिया कितना आया 14, और 14 जो है वो सात के पहाड़े में आता है, 14 में सात का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए इस संख्या में भी सात का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये सात की वैधता का नियम है। अगला जो है आपके पास अगली अभाज्य संख्या 11 है, 11 की भाज्यता का क्या कहते हैं, विषम स्थान और सम स्थान के अंकों के योग के अंतर में यदि 11 का भाग पूरा पूरा
जाता है तो दी संख्या में भी 11 का भाग पूरा पूरा या आपके पास 11 की व्यक्तियों का नहीं होगा क्या कहा विषम स्थान, तो जो हमें संख्या दी हुई है उसमें हमें स्थान पहले लिख लेना है, फिर क्या करना है विषम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं और सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका क्या कर दो आप योग कर लो और उस पर क्या निकालो अंतर। अंतर का मतलब होता है जो विषम स्थान पर अंक आए हैं उनका योग, जो सम स्थान पर अंक आए हैं उनका योग, उनके बीच का अंतर मतलब उनको आपस में क्या कर दो माइनस कर दो। अंतर का मतलब क्या करना है माइनस, और जो आंसर आएगा उसमें यदि 11 का भाग जाए तो आप कह सकते हैं कि वह संख्या जो है 11 से विभाज्य है, 11 का भाग उसमें पूरा पूरा जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, तेरह 244 ये एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए सबसे पहले स्थान ले लेता हूँ, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे पर है, ये चौथे पर है, ये पांच, तो विषम स्थान से कौन कौन से, एक ही चार है, ये दो है और ये एक, देखें पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर और पांचवे नंबर, ये स्थान इसका योग करेंगे तो 7 आता है। इसी तरीके से सम स्थान, सम स्थान पर 4 है और सम स्थान पर 3 है, इसका योग करते हैं तो कितना आता है 7। इन दोनों का क्या करना है अंतर, 7 में से 7 गया 0 और 0 में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए ये जो संख्या है 11 से विभाजित होगी। इसके बाद एक एग्जांपल और हम लेते हैं, वो है एग्जांपल नंबर एक पहला था, ये एग्जांपल नंबर दूसरा कुछ इस तरीके से है, 7, 8, 5, 4, 7, 3, 8, 5, 4। इसमें देखिए स्थान लेते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवें स्थान के लिए, क्या किया विषम स्थान चले जो संख्याएं आ रही हैं उनका योग करते हैं, विषम स्थान पर 4 है, विषम स्थान पर 8 है और विषम स्थान पर 7 है, तो 8 और 7, 15, 15 और 4 कितने होते हैं 19। इसी तरीके से सम स्थान पर आपके पास क्या है वो देख लेते हैं, सम स्थान पर क्या है 5 है और सम स्थान पर कितना है 5 और 3 कितने हैं, तो ये आपके पास विषम स्थान पर, ये सम स्थान पर, इन दोनों को क्या करना है अंतर, अंतर मतलब माइनस, 19 में से 8 गए कितने आ गए 11 और 11 को मैं 11 से आसानी से भाग लगा सकता हूँ, भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा।